नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायतों में आरक्षण रोस्टर के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव कराने में देरी हो रही है। अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो चुनाव आयोग और बिहार सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर अपडेट आने शुरू हो गए हैं। अब इधर पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों के चुनाव में अनूठी व्यवस्था की है। अब पंचायती राज संस्थानों के उप मुखिया का मतदान मुखिया को करने का अधिकार मिला है, जबकि उप सरपंच के चुनाव का मताधिकार उस ग्राम कचहरी के सरपंच को होता है। उसके अलावा पंचायत के सिर्फ 4 ऐसे पद हैं जिन पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं लागू की गई है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई ऐसे पद हैं जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इसमें उप मुखिया, उप सरपंच, उप प्रमुख और उपाध्यक्ष के पद शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन में सीटों का आरक्षण किया है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसी प्रकार उप सरपंच का चुनाव पंचों द्वारा, जबकि प्रमुख व उप प्रमुख का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के 6 पदों के लिए होने वाले सीधे चुनाव में सरकार में आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। इसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। इन सभी पदों पर 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थानों में सीधे निर्वाचन होने वाले पदों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं उनकी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति के स्थानों के आरक्षण के बाद शेष स्थानों में से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों की संख्या से 20% होगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कुल मिलाकर 50% के अंदर होंगे। आपको बता दें कि बिहार में इस साल M2 मॉडल से मतदान कराए जाने पर सहमति बनी है। इस साल के शुरुआत में राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम को लेकर लंबे समय तक शीत युद्ध चलता रहा, लेकिन अब दोनों आयोगों के बीच में ईवीएम से मतदान कराने पर सहमति बन गई है। आयोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर ईवीएम जुटाने में लगा हुआ है। अब तो चुनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए पंचायत में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग भी सक्रिय हो गए हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए अब उम्मीदवार अपने मतदाता के पास पहुंच रहे हैं। वो अब एक बार फिर से अपने दावों और वादों से लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी बड़ी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।